हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के 8.4। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लास 10th का मैथ है। इससे पहले मैंने दोस्तों जो आपका है, मैंने 8.1 और 8.2 और 8.3 ये सब सारा करा दिया। तो ये आपने नहीं देखा है उसको जाके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। आप सब बुक लेके बैठ जाइए और कॉपी लेके हर एक हिसाब को नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जिसके पदों में व्यक्त करने बोल रहे हैं हम पहले उसको लिखेंगे, तो इसको पदों में व्यक्त करने बोल रहे हैं हम इसको लिखेंगे। तो कॉट ए को लिख लीजिए पहले, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। तो कॉट ए का फॉर्मूला दोस्तों होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। अच्छा एक बात, कॉट ए के नीचे कुछ नहीं है तो एक हो सकता है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, आधार बराबर कॉट ए हो गया, लंब बराबर एक हो गया, ठीक है। लंब इतना हो गया, अब क्या निकालेंगे? आधार पता है, लंब पता है, हमें तीनों चीज़ पता होना चाहिए। तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण क्या होता है? कर्ण का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। आप इसको नोट करते जाइए। और लंब कितना दिया हुआ? लंब एक है, देख सकते हैं। तो एक का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? कॉट ए। तो कॉट ए का स्क्वायर, इसको रूट करेंगे तो यही रह जाएगा, तो एक प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट 100। यानी कि मैं दोस्तों, मेरा कर्ण इतना निकल गया, ठीक है। जब आधार, लंब, कर्ण तीनों मालूम हो गया तो हमें क्या निकालना? अब जो कह रहे हैं निकाल लो साइन ए। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है? साइन ए सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। देखिए लंब कितना है? लंब देखिए यहाँ एक है तो एक दे दें। और कर्ण हम कितना निकाले हैं? वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है? सेक ए। तो सेक ए को वापस लिखिए। सेक ए का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। अब देखिए कर्ण कितना है? कर्ण देखिए यहाँ निकाले हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट बटे आधार कितना है? आधार कॉट ए है, तो इसका ये आंसर है। और क्या बोल रहा है? एक टेन ए बोल रहा है, तो टेन ए को मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो टेन ए बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, ये सूत्र होता है। अब देखिए लंब कितना है? लंब देखिए एक है यहाँ, तो एक बटे आधार कितना है? आधार कॉट ए है, तो 1 बटे कॉट ए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला हिसाब दोस्तों आपका था, ठीक है। तो पहला हिसाब दोस्तों मैंने बता दिया, इसको आप वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं दूसरा हिसाब की ओर। दूसरा हिसाब कह रहा है सेक ए क्या कह रहा है? सेक ए को सभी अनुपातों में व्यक्त करें। यानी कि दोस्तों ये पहले की तरह ही बनेगा, ये इसमें सिर्फ सेक ए दिया है। पहले वाले में क्या दिया था? कॉट ए के पदों में व्यक्त करने बोल रहा था। इसमें बोला सेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करो। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना दोस्तों होता है? 6 होता है, आपको सबको पता होगा 6 होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको, मैं सेक ए को निकाल लेता हूँ, ठीक है। सेक ए को चलिए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मैं लिख दूँ यहाँ, सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। और एक पार्ट में मैं इधर सभी त्रिकोणमिति लिख लेता हूँ 6। वो तो साइन ए सभी बोल रहा है तो 6 त्रिकोणमिति मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो साइन ए सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए फिर क्या? कॉस ए
कॉस ए। कॉस ए का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। फिर साइन ए कॉस ए फिर क्या आएगा? फिर आएगा टेन ए। टेन ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ठीक है। फिर टेन ए के बाद क्या आएगा? कॉट ए। कॉट ए का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। फिर क्या आएगा? सेक। सेक ए तो देखो सेक है, सेक ए हमें नहीं निकालना क्योंकि दोस्तों सेक ए हमारा दिया हुआ है तो मैं इसे क्यों निकालूँ, ठीक है। तो हमें पाँच ही निकालना, तो साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए, अब कौन बचा? कोसेक ए। तो कोसेक ए का फुल फॉर्मूला क्या होता है? साइन का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने सारों इस पांचों का जो सूत्र लिख रखा है, अब सिर्फ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेक ए से, अब देखिए सेक ए में क्या कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया, वही करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे एक है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक को किसी से भी भाग दो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कर्ण कितना, कर्ण बराबर कितना हो गया सेक ए, और आधार बराबर वन हो गया। तो कर्ण, कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब नहीं पता है तो लंब पता करो। तो लंब, लंब का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण, कर्ण कितना दोस्तों? कर्ण सेक ए है आपका, तो मैं सेक का स्क्वायर दे देता हूँ। सेक स्क्वायर माइनस आधार कितना? आधार एक है, तो एक का मैं स्क्वायर दे देता हूँ। तो ये कितना हो गया? सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब देखें सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस वन कितना हो गया दोस्तों? ये दोस्तों सूत्र होता है आपका, एक सूत्र आप याद रख लीजिए, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ थोड़ा। वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों। तो अगर वन को, इस वन को अगर इधर फेंक देते हैं तो माइनस में चला जाएगा और इधर टेन स्क्वायर बचेगा। दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर सूत्र क्या होता है? टेन स्क्वायर ए होता है। तो टेन स्क्वायर ए का रूट, ठीक है। और टेन स्क्वायर ए का बर्मूल क्या होगा? टेन ए होगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो लंब निकल गया वो कितना निकल गया? टेन ए निकल गया। जब लंब टेन ए निकल गया, लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया। जब ये तीनों चीज़ें में पता हो गया तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने बोले हम आसान से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालिए पहला साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना निकालें? टेन ए, तो दीजिए टेन ए बटे। कर्ण कितना है दोस्तों? कर्ण सेक ए है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या? कॉस ए। तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना? आधार एक। अब कर्ण कितना है दोस्तों? कर्ण वाई, कर्ण कितना है? सेक ए। तो वन बाय सेक ए, वन बाय सेक ए को हम कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो आपके बुक में जैसे आंसर है वैसे आप लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लंब, अब देखिए टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है? लंब निकाला मैंने टेन ए, तो टेन ए बटे आधार। आधार कितना? आधार एक है, तो टेन ए ही हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट ए, तो कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। तो इसका वापस उल्टा कर दिया, यानी कि वन बटे टेन ए। तो वन बटे टेन ए कितना हो जाएगा? कॉट ए। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब कोसेक ए, कोसेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? कर्ण है आपका, देखिए यहाँ कर्ण आपका कितना है? सेक ए है, तो सेक ए, सेक ए बटे। और लंब कितना निकाला? लंब निकाला मैंने टेन ए। दोस्तों ये देख रहे हैं ना, ये आगे भी हल हो सकता है, लेकिन आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, लिख देते हैं तो आपका आंसर वो नंबर नहीं काटेगा, जब फुल का फुल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दो नंबर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर सवाल। क्या देखेंगे? तीसरा नंबर सवाल। तीसरा सवाल दोस्तों जो आपका है, तीसरा सवाल कह रहे हैं, तीसरा सवाल साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर
बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये दोस्तों इसका दोस्तों कह रहा है मान निकालिए, क्या कह रहा है मान निकालिए। ठीक है, देखो इस हिसाब को हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी दोस्तों है। इसमें हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 63 है, इस दोनों में से किसी एक को तोड़ दो। चलो मैं इसको तोड़ देता हूँ साइन स्क्वायर 63 को, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मैं आपको ही बताऊँगा। देखो फिर नीचे वाला लिखता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आइए समझते हैं मैंने ऐसा क्यों लिखा। दोस्तों साइन स्क्वायर 63 है, अब देखिए 63 आपका एक सूत्र होता है, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सूत्र लिख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा। ठीक है, इस सूत्र को याद रखिए तभी ये बनेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो दोस्तों आपको याद होगा हम साइन स्क्वायर प्लस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र एक होता है, तो उसी को हम पुराने के लिए ये सूत्र का हम उपयोग करते हैं। देखिए उसी जोड़े में है ना साइन साइन, तो इसको हम अगर कॉस में बदल देंगे तो ये एक बन जाएगा और नीचे भी एक बन जाएगा, तो एक बटे एक कटाएंगे तो एक आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको बदला। तो साइन स्क्वायर 63, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर तो लिख दिया, लेकिन 63 को दोस्तों मैंने 90 घटा 27 लिखा है। अगर 90 में आप 27 घटाओ तो 63 बच जाए, आप 90 में 27 घटाओगे तो 63 बचे, घटा लेना फिर प्लस, और इसको वैसा ही लिख देना। मैंने क्या कहा कि दोनों में से किसी एक को तोड़ना, या इसको तोड़ दो या इसको तोड़ दो, फिर नीचे वही कंडीशन या इसको तोड़ दो या इसको तोड़ दो। ठीक है बिल्कुल लीजिए। अब देखिए तो साइन, फिर नीचे वैसे देखो कॉस 17 है, तो कॉस का मैंने कॉस लिख दिया, 17 को मैंने लिखा है 90 माइनस 73। अगर 90 में 73 घटाओगे तो 17 पूर जाएगा आपका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा तो कॉस कॉस स्क्वायर 27 हो जाएगा दोस्तों, और ये इसको लिख दो प्लस साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा, अब बटे फिर कॉस 90 माइनस थीटा सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो जाए, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 73, तो 73 दे प्लस इस कॉस 73 को लिख दो वापस। अब देखो हिसाब आपका बन गया, हिसाब आपका क्या है बन गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है एक होता है, फिर बटे फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है एक, तो एक बटे एक बराबर एक आपका आंसर हो गया। ये कब जुड़ता है दोस्तों, जब आपका सूत्र समान हो, जैसे थीटा जो थीटा होता है ना तब समान हो, जैसे अब यहाँ साइन स्क्वायर 73 है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, तो 73 है 73 है तब ये जुट के एक हो, अगर अगर ऐसे रहे यहाँ साइन स्क्वायर 73 है यहाँ कॉस स्क्वायर 75 रहे तो ये नहीं जुटेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 73 है, यानी कि थीटा दोस्तों सेम रहना चाहिए, ये 73 है तो ये भी 73 है और स्क्वायर में रहना चाहिए, तब ये जुट के एक होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लिए, शायद आपको पता होगा, एक मिनट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दोस्तों सूत्र होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल दोस्तों हमारा बन गया। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथा सवाल, ये दोस्तों कि कौन सा, ये तीसरा सवाल था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब हम चलेंगे चौथे सवाल की ओर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं चौथे हिसाब की ओर। तो चौथा हिसाब दोस्तों देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, ये भी दोस्तों वैसा ही बनेगा जैसे उसमें क्या था दोस्तों कि एक तोड़ना है एक छोड़ना है, तो इसमें वैसे करना है किसी दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ दो, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ दो। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ दो।
चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ साइन 25 को, तो इसके एम एस को ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ ना, साइन 90 माइनस 65, इसको वापस कॉस 65 लिख दो, अब देखिए ये 90 है तो साइन 90 माइनस 65, तो साइन को मैंने साइन लिख दिया और 25 को मैंने लिखा है 90 माइनस 65, अगर 90 में 65 घटाओगे तो 25 पूछ जाता है। ये मैंने क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि ये सूत्र वही लगाना दोस्तों हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये सूत्र मैंने आपको भी बताया था ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। यही सूत्र आपका दोस्तों बहुत काम आता है, सूत्र आप जरूर लिख लीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा इसको लिख दिया, इसको तोड़ दिया, इसको वापस लिख दिया, और फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर इन दोनों में से किसी एक को तोड़ दो, मैं चलो इसे ही तोड़ देता हूँ। कॉस 25 से सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस ही लिखेंगे, उसके बाद 90 में घटाएंगे, ठीक है, 90 में घटाओ। अब देखो 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 को किस में लिखेंगे, तो इसको 90 में अगर 65 घटाएंगे दोस्तों, 90 में अगर आप 65 घटाएंगे तो 25 पुर जाता, ठीक है। तो कॉस 25 को हम तोड़ दिए और इसको वापस लिख दो, इसको चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन 65 है ना, तो साइन 65 अब हो गया दोस्तों हमारा। अब देखिए फिर वही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, सूत्र यहाँ मैंने सूत्र देखिए लिख सकता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस, अब थीटा देखिए थीटा जगह क्या है 65, तो 65 देंगे, ठीक। अब देखिए ये कॉस 65 है, देखिए ये गुना में हो जाएगा, तो कॉस 65, ठीक। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन अब थीटा जगह 65 है तो 65 दे दीजिए, ठीक। और एक और साइन 65 है, इसको भी लिख दीजिए आप, गुने हो जाएगा, तो साइन 65 हो गया, ठीक है। अब क्या गुना कर दीजिए, कॉस 65 गुना कॉस 65 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस देंगे हम, अब देखिए साइन 65 गुना साइन 65 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65, ठीक है। अब सूत्र तो बन गया, कॉस स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 65, आंसर एक, यही सूत्र होता है ना, हमने यही पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। एक कब होगा दोस्तों, जब इसका थीटा सेम रहेगा, यानी कि एंगल जो इसका कोण होता है, ये जो कोण देख रहे हैं आप, ये हमेशा सेम रहना चाहिए। इसे यहाँ 65 है तो यहाँ भी 65 है, तो ये जुट के एक हो गया। अगर यहाँ 70 रहता, यहाँ भी 70 रहता तो नहीं होता, अगर यहाँ 70 रहता और यहाँ 65 रहता तो नहीं होता, क्योंकि हमारा एंगल जो है ना सेम रहना चाहिए, तभी हमारा ये एक सूत्र बनता है, ठीक है। तो चौथा सवाल दोस्तों मैंने कंप्लीट कर दिया, तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों, तो अगले वीडियो में 4 से आगे सवाल तक बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।